नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाने है तो आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। दोस्तों, वैसी अपॉर्चुनिटी फिर से एक बनी है एनटीपीसी शेयर में। दोस्तों, आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, फाइंड करनी है, उसके ऊपर दाव लगाना है, सही से पैसे कमाना है। तो दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी मिली है एनटीपीसी में, वो कहाँ जाके सही साबित हो सकती है, कौन से प्राइस लेवल पे वो स्ट्रैटेजी काम करेगी, कौन से प्राइस लेवल पे हम एनटीपीसी खरीदें। तो दोस्तों, हम हर एक बात आपको बताएंगे, कौन सा मोमेंटम है वो मोमेंटम से शेयर उठेगा, फिर कौन सा सपोर्ट लेवल है वहाँ पे जाके शेयर रुकेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर दबाइए। जब भी हमारा वीडियो बनेगा, पहली बार आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जो लाइक का बटन है उसको पसंद आने पे ज़रूर प्रेस करना, और जो डिसलाइक का बटन है उसे भी प्रेस ज़रूर करना। अगर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं एनटीपीसी के बारे में, जानते हैं बहुत कुछ सारी चीज़ें। एनटीपीसी शेयर कहाँ तक आपको गिरते हुए दिखेगा और कहाँ से आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं टेक्निकल्स के चार्ट के पास। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट है, बहुत कुछ चीज़ें कह रहा है। हम आए हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट बहुत कुछ चीज़ें कह रहा है। जहाँ से मार्केट नहीं गिरना था वहाँ से मार्केट गिर गया, एक मोमेंटम बना था वहाँ से, सबको लगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। मगर मैंने दोस्तों कहा था 132 का जो लेवल है उसके बाद मोमेंटम पकड़ने के बाद मार्केट 145 तक जा सकता है। वैसे ही हुआ, मार्केट 145 के लगभग गया, लगभग ने थोड़े से ऊपर चला गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल में आ गया। देखिए दोस्तों, जहाँ से लेवल कहा था उसके भी नीचे मार्केट आया है। तो एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, कि अभी मार्केट कहाँ तक गिरने वाला है। यहाँ से मार्केट का लगभग जो टारगेट निकल के आया है 119 रुपीज़ का निकल के आया है, 190 रुपीज़ का निकल के आया है। तो दोस्तों, आपको एक अच्छा बेहतरीन मौका मिलेगा इस शेयर्स को थोड़ा डाउन में बाय करने के लिए। तो आप उसे थोड़ा सा डाउन होने दीजिए, अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं बन रहा बाई के लिए, क्योंकि फॉलिंग द नाइफ है ये फिलहाल, तो अभी गिरने वाला है। तो थोड़ा सा आप धैर्य से काम ले और बाद में इसमें बाइंग करें। तो दोस्तों, ये मोमेंटम 120 और 119 तक का है, यहाँ तक ये शेयर गिर सकता है। फिर उसके बाद उस शेयर में एक सस्टेनिटी आएगी, फिर दो तीन दिन उसमें वो सस्टेनिटी चलेगी, स्टेबिलिटी चलेगी, कॉन्स्टेंटिटी चलेगी। फिर उसके बाद वो शेयर 3 या 4 दिन के बाद एक बूस्टर पकड़ेगा, फिर उसके बाद वो शेयर का पहला पड़ाव आता है तो 128 रुपये पे आता है। देखिए, 8 रुपये का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है मालूम है, मगर आपको ध्यान में रखने का, जब तक ये शेयर 120 के बाद 3 दिन या 4 दिन उसको कांस्टेंट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता 120, 122, 123 पे, तो आपको हाथ नहीं डालना, क्योंकि दूसरा हर्डल्स आता है सीधा 128 रुपये पे। 128 के बाद वो शेयर निकलने वाला है, फिर उसके बाद जो शेयर निकला तो सीधा 152 रुपीज़ का जो लेवल है उसको अचीव करते हुए आपको दिखेगा। देखिए दोस्तों, 119 रुपये का जो टारगेट है वो निकल के आया है सेल ऑफ में, और जो ऊपरी आया है टारगेट वो 152 रुपये के लगभग निकल के आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको एक शातिर सी चाल चलनी है, आपको कम से कम ये शेयर्स को 120 रुपये, 119 रुपये के आसपास बाइंग करनी है। फिर उसके बाद आपको एक मोमेंटम आएगा, उस मोमेंटम में आपको पैसे कमाने हैं, उस मोमेंटम में पैसे कमाएं तो आपको फिर से बाहर गिरना है। देखिए दोस्तों, मोमेंटम में क्या होता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। क्या तेज़ी से शेयर बढ़ रहा है, उसमें बड़े दिग्गज होते हैं जो कि अपना पैसा निकाल के प्रॉफिट कमा के साइड में होते हैं। तो एक मोमेंटम में आपको पैसा निकालना है, 128 तक आपको मोमेंटम बनेगा, उस 128 के मोमेंट पे पैसा निकालना है, प्रॉफिट कमाना है। फिर थोड़ा शेयर नीचे आएगा, लगभग 125, 123 रुपये के फिर से नीचे आएगा। जो सस्टेनिटी हमने स्टेबिलिटी बात की थी 119, 120 के बाद, जो 123, 122, 123 का रहेगा, तो उसके बाद शेयर सीधा निकलेगा 128 के लिए। फिर 128 से मार्केट थोड़ा डाउन हो जाएगा, फिर वो फिर से चांस मिलेगा आपको प्रॉफिट का, एक मार्जिन बनाने का आपको हम मार्जिन मिल जाएंगे। फिर से देखिए दोस्तों, आपको एक प्रॉफिट मार्जिन मिल गई, पहले 5 कमाए, फिर आपको 5 कमाने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद मार्केट जो निकलेगा फिर से 128 क्रॉस करके, तो मार्केट सीधा आपको 152 रुपये तक का जो लेवल है वो दिखाने की हिम्मत रखता है, उसमें उतना जज्बा है इस शेयर में। तो दोस्तों, 152 का टारगेट इतना बड़ा भी लक्ष्य नहीं है इस शेयर के लिए, क्योंकि इस शेयर में इतना पोटेंशियल भरा पड़ा है कि एक शेयर एक समय 100
80-190 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आप टेक्निकल चार्ट्स पे भी देख सकते हैं मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ये देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं हम 180-190 के ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। ये देखिएगा 190 के लगभग मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, आपको पैसा कमाने का एक चांस मिलेगा, तो आप उसे गवाइएगा मत। जो स्ट्रैटेजी का है उस स्ट्रैटेजी से आप पैसा कमाइए। आपको स्टॉप लॉस रखने का 100 रुपीज़ का, 100 के नीचे शेयर नहीं तो जाने वाला तो है ही नहीं, मगर आपको एक स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। हमेशा कैपिटल बचाने के लिए आपको स्टॉप लॉस को यूज़ करना होता है। तो आप स्टॉप लॉस का जो कैटेगरीज दिया हुआ है उस हिसाब से यूज़ करके उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि 120 की बाइंग रहेगी और 100 या 100 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन उसको ज़रूर दबाइएगा, आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, उससे कोई चार्जेस नहीं लगते दोस्तों। और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाना, जब भी हमारा वीडियो बनेगा उसी भी आपको नोटिफिकेशन इनबॉक्स में आ जाएगा। और जो लाइक किए हो तो उनके लिए धन्यवाद, जो डिसलाइक किए उनको भी धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही नए वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं कि सर हमें इसके बारे में जानना है, फिर उसके बारे में जानना है, फिर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको पैसे कमाने का मोटिव बना रहे, यही हमारी सदी इच्छा है। थैंक यू दोस्तों।